इसे स्पीड नहीं लेगा ज़्यादा। गाइस काफ़ी अच्छा पिक्चर है कार की तरीके अगर कोई। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और देखो आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कहाँ से कर रहा हूँ, मैं आया हूँ एवॉन साइकिल्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उन्हीं ने ही एक स्कूटी का अपना पूरी सीरीज निकाली हुई है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्कूटी है। तो मैं देख रहा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि जो अपनी स्कूटी रिव्यू की जो सीरीज चल रही है इलेक्ट्रॉनिक स्कूटीज की, उसमें इस वाली स्कूटी को होना बहुत ज़रूरी है। तो देख लो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अभी मैं इसकी लोकेशन वगैरह आप लोगों को सभी कुछ बताऊँगा। तो हम लोगों को गाइड करने के लिए हमारे साथ में एक अंकल जी है। अंकल जी आपने नाम बता दीजिए प्लीज़। मेरा नाम आरबी सिंह है। आरबी सिंह, आरबी सिंह, आरबी सिंह, अंकल का नाम आरबी सिंह है। तो अंकल हम लोगों को हेल्प करेंगे गाड़ी के समझने के लिए कि क्या गाड़ी में फीचर्स है और गाड़ी कैसी क्या रन करती है, और जो भी RTO वगैरह कुछ हम लोगों ने सुना है कि RTO नॉन RTO जो भी होता है, तो वो सारी डिटेल इस पर अच्छे से हम लोग बात करेंगे। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो चलो चलते हैं। तो देख लो गाइस, ये है अपनी चमचमाती स्कूटी। देख लो यार, यहाँ पे A1 साइकिल वाली जो फेमस ब्रांड है साइकिल के नाम पे, उनकी बहुत ह्यूज वैरायटी में साइकिल्स लॉन्च करी है उन्होंने। इसी से इन लोगों ने देखा है कि यहाँ पे स्कूटी इन लोगों ने बनाई है इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं और इसके बारे में सारी जानकारी लेते हैं। ये आपकी गाड़ी में A1 में सबसे पहले जो डिजिटल मीटर है जी, जी। जो आपको पॉइंट किलोमीटर बराबर बताता है। अच्छा अच्छा, हाँ थोड़ा सा देखने में अतरंगी, मतलब आज एक दो चार पाँच रंग है ना, तो थोड़ा सा कलरफुल लग रहा है। इसमें 90 तक जो लास्ट है 100 तक, लेकिन ये जो है 80 किलोमीटर स्पीड देती है एक बार चार्ज में। अच्छा, ये टॉप स्पीड क्या कहते हैं? टॉप स्पीड जो है इसकी 80 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर पर आवर तक ये जाती है, और जैसे पर आवर जाती है, हमने गाड़ी को फुल चार्ज कर लिया तो कितने कितने गाड़ी अगर पूरी चार्ज कर लेंगे तो कंपनी 100 किलोमीटर कहती है, लेकिन 80 किलोमीटर चलती है, चलती है। वो तो क्या कहते हैं, मेरे समझ से थ्रॉटल पे भी इफेक्ट करता होगा कि आप जितना जोर से थ्रॉटल लेंगे उतना कम रहेगा, और नॉर्मल एवरेज लेते रहेंगे एक नॉर्मल स्पीड पे चलेंगे तो उतना ज्यादा। नॉर्मल स्पीड पे आप चलेंगे अगर 40 किलोमीटर स्पीड से जी, तो 80 किलोमीटर तक चलेगी, आराम से चल जाएगी, आराम से चलेगी। और दूसरी बात है जब उसको आप चार्ज कर लेंगे जी, तो फुल चार्ज कर लेंगे तो एक बार में 80 किलोमीटर चलेगी। अगर आप इससे 20 किलोमीटर चलेंगे तो ये 15 मिनट में चार्ज हो जाएगी। अच्छा, अगर बिल्कुल माइनस हो जाएगी जी, तो 3 घंटे से लेकर 3.5 घंटे तक समय लेती है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जीरो से फुल चार्ज होने में तीन साढ़े तीन घंटे में चार्ज हो जाएगा। जिस तरह मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल का सिस्टम है जी, उसी तरह इसका सिस्टम है, इसमें 4 पॉइंट होते हैं जी। इस समय प्रेजेंट टाइम एक येलो एक हरा है, 3 पॉइंट और होते हैं। अच्छा अच्छा, ये 3 पॉइंट में जब आप फुल हो गए तो 4 पॉइंट होंगे, 5 हो। अच्छा अच्छा, अभी तो सिर्फ 1 पॉइंट है, इसलिए भी ज्यादा फुल करके गाड़ी नहीं, वो तो सही बात है। अब यहाँ पे शोरूम पे गाड़ी खड़ी हुई है तो कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं है। दोनों तरफ डबल हॉर्न है। अच्छा अच्छा, हाँ हॉर्न की प्रक्रिया इसमें लेफ्ट राइट है, तो बहुत से लोगों के हाथ में लेफ्ट हाथ चलाने में प्रॉब्लम होती है जी, राइट में जी, तो दोनों तरफ। तो यार ये तो मैं कहा, मतलब कोई नया फीचर देख रहा हूँ कि किसी गाड़ी में दोनों तरफ आपको आराम से देखो ये बजा सकते हो, और हॉर्न भी काफी मतलब ज्यादा लाउड है, अच्छा है ये, आगे पता चलेगा। दूसरी बात, इसमें एक रिवर्स गियर और आगे का ये दिया गया है। अच्छा, इसमें अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं जी, तो ये रिवर्स भी इसमें आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ये रिवर्स का पॉइंट दिया है, मतलब आप अगर गाड़ी जैसे कोई लेडीज है और लेडीज को प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा साथ में जी, अगर वो बैक करना चाहती तो उतर के ना बैक करेगी, वो बैठे बैठे रिवर्स का स्विच ऑन करेगी, गाड़ी रिवर्स हो जाएगी। तो वेरी गुड है, काफी अच्छा फीचर लगा मुझे तो गाइस, ये गाड़ी में रिवर्स हो जाएगा। दूसरी बात है, इसमें 6 लाइटें दी है जी, चार लाइटें हेड है और 2 लाइटें है इंडिकेटर। तो इसके लिए हम आगे से दिखाते हैं सभी अपने व्यूअर्स को जी। इसमें आपको 1, 2, 3, 4 लाइटें। अच्छा अच्छा, 6 लाइटें गाइस, काफी स्पोर्टी लुक आ रहा है इसका सामने से आप देख सकते हैं। लाइटों के मामले में जितनी गाड़ियां अभी अभी आपकी मार्केट में आई हैं जी, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, नहीं नहीं बिल्कुल, उसे 101% लाइटों के मामले में सुपर जी। दूसरी बात, इसमें लिथियम बैटरी पड़ी हुई है आई पावर कंपनी की। अच्छा, जो इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी आई पावर है। अच्छा, हाई पावर कंपनी, हाई पावर की बैटरी पड़ी हुई है जी, और जिसकी कैपेसिटी 3 साल बताते हैं, लेकिन 5 साल से लेकर 6 साल तक चलती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो काफी सही है। इसमें डिस्क ब्रेक है, हाँ डिस्क ब्रेक होने से ये चक्कर ही है गाइस, डिस्क ब्रेक भी है गाड़ी में, लड़कियां फास्ट मूव करते हैं जी या लोग, तो वो डिस्क ब्रेक जो है वो डिस्क ब्रेक को इस्तेमाल
कर सकते हैं। हाँ सही चीज है, जरूरी नहीं, दिस इज नो मोस्ट कंपल्सरी डिस्क ब्रेक, लेकिन डिस्क ब्रेक इसलिए है कि आप अगर तेज चलाते हैं जी तो डिस्क ब्रेक आपको। तो अच्छा अंकल, मैं ये देख पा रहा हूँ कि इसमें एसेसरीज लगी हुई है, तो ये एसेसरीज इसी में लगी हुई मिलेगी? एसेसरीज मेरी लगी हुई नहीं है, केवल कंपनी पूरा प्रोडक्ट बना के देती है। अच्छा अच्छा, तो यार ये देख लो, आप चेक करो यार, ये जो कंपनी वाले कहते हैं कि मैं 3000 की एसेसरीज लगा के दे रहा हूँ जी, 1500 की दे रहा हूँ, 2000, ये सब झूठ बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ये एसेसरीज 101% कंपनी उसको प्रोवाइड करती है। तो यार ये तो यार हम, मेरे पास भी स्कूटी है, काफी अच्छा लगा मुझे कि एसेसरीज बताओ लगा करके कंपनी दे रही है। मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ जी, ये बिल्कुल गलत है, मैं कोई भी चीज नहीं लगा रहा हूँ, एसेसरीज कंपनी दे रही है जी, ये मिरर कंपनी दे रही है जी, पीछे का बैक कंपनी, बैक रेस्ट आप देख सकते हो जो पीछे स्टैंड कंपनी दे रही है जी, ये फुटरेस लेडीज फुटरेस कंपनी दे रही है, सब कुछ लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ पहले से ही, इसमें कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा, मुझे तो कंपनी सिर्फ देती है, मैं यहाँ पर सब फिट करके, मैंने कंप्लीट करके मैं उसको कस्टमर को डिलीवर करता हूँ। अच्छा, इसका एक बार बूट स्पेस जरूर देखना चाहेंगे, इसको ओपन कर दीजिए जरा हमारे लिए। तो गाइस चेक करो आप, बूट स्पेस भी काफी अच्छा बड़ा है, ये इसका बूट स्पेस है, ये हम लोगों को इमरजेंसी के लिए टूल किट भी मिलेगी आपको, ये टूल्स है, ये चार्जर है। अच्छा, ये चार्जर, चार्जर ये ऑटो कट चार्जर है। अच्छा अच्छा, ऑटो कट में क्या है कि आप अगर चार्ज करेंगे 5 एम्पीयर से चार्ज होता है जी, जिस तरह घर में फ्रिज एसी चलते हैं जी, उसी तरह ये चार्ज होता है 5 एम्पीयर से जी जी, चार्ज होने के बाद जब चार्ज हो जाएगा अपने आप ऑफ हो जाएगा। अच्छा, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक, ये काफी अच्छी चीज है। अंदर कंपनी ने MCB लगा रखी है। अच्छा, ये बैटरी लगी होगी इसमें, बैटरी में ही MCB इनबिल्ट है, कंट्रोलर में MCB लगी है। अच्छा अच्छा, MCB ऑफ कर देंगे तो गाड़ी कोई तोड़ के भले ले जाए जी, वैसे गाड़ी को ये कोई कोई टच नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता। और एक इसका ये भी फीचर है, जैसे मान लीजिए सपोज अगर हमने गाड़ी खरीद ली, हमको बहुत दिन तक नहीं चलानी है, हमने MCB डाउन कर दी, तो वो बैटरी अगर आपने MCB ऑफ कर दी, एक बार फुल चार्ज कर दी, तो महीने भर बाद भी आप जब MCB ऑन करोगे वो ऐसे ही बैठे। तो ये काफी अच्छा फीचर लगा मुझे कि इसमें इनबिल्ट MCB मिलेगी। दूसरी बात है, इसमें जितने भी पेपर हैं जी, वो पेपर मैं सिर्फ इनवाइस देता हूँ जी, जो मैं सेल लेटर होता है जी, बाकी सब कंपनी के पेपर है, आई पावर का वारंटी कार्ड है जी, और A1 कंपनी वालों की 3 सर्विस फ्री है जी, जो कि मैं अपने यहाँ ही वर्कशॉप में कराता हूँ। अच्छा, वर्कशॉप के अंदर वो सर्विस भी, मतलब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप आराम से यहाँ पे आ जाओ शोरूम में, मैं सर्विस 100% दूंगा जी, 3 सर्विस के बाद भी जी, अगर कस्टमर को सर्विस चाहिए जी, तो मैं उसको सर्विस प्रोवाइड करूंगा जी, जी, और उसके बाद जो पैसे हैं वो उसको देने पड़ेंगे, 3 सर्विस में कोई भी उसको चार्ज नहीं देगा। अच्छा अच्छा, 3 सर्विस उसको फ्री जी, तो काफी सही फीचर लगा। वैसे मैं इसका टायर का साइज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, टायर का टायर साइज 10 इंची में है जी, और ट्यूबलेस टायर है। अच्छा, ट्यूबलेस टायर है तो हाँ ये काफी सही चीज है, टायर साइज है जी, इसमें 2 साकर आगे हैं जी, 2 साकर पीछे। अच्छा अच्छा, जिसको बनाया है इन्होंने मोटरसाइकिल के हिसाब से, मोटरसाइकिल के हिसाब से, मोटरसाइकिल की इसमें जिस तरह बाइक में चेसिस होती है जी, उस तरह इसमें चेसिस दी हुई है जी, अगर ये हैंडल ढीला हो जाता है जी, तो यहाँ पर बाकायदे चेकनट लगा है, आदमी कहीं भी किसी मोटरसाइकिल वाले से वो चेकनट टाइट करा ले, मोटरसाइकिल की तरह वो चलने लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अच्छा जी, मैं ये भी एक देख पा रहा हूँ, ये क्या चीज़ है, ये इसका ये लो और हाई का स्विच है, ये इसलिए लाइट की नहीं, ये लो हाई है, जैसे कोई बच्चा चला रहा है जी 20 साल का जी, अगर 15 साल का फादर उसके कहते हैं कि बेटा कम स्पीड में जाना जी, तो उसको ये लो कर देगा, तो लो करने से वो 20-25 किलोमीटर स्पीड नहीं लेगा ज्यादा, हाई करेगा तब वो स्पीड। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये काफी सही चीज है, रजिस्ट्रेशन आपको नहीं कराना है। अच्छा, नॉन RTO है ये गाड़ी, लो स्पीड पे बनी हुई है जी, उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, आपके रजिस्ट्रेशन के पैसे बचेंगे जी, आपकी सर्विस दूसरी जगह नहीं करानी पड़ेगी जी जी। तीसरी बात ये है, 1 साल की वारंटी है मोटर की जी, और 3 साल की वारंटी है बैटरी। अच्छा, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम गाड़ी देने के बाद जी जी जी, मैं खुद गाड़ी का फाइनेंस करवा देता हूँ जी, अगर फाइनेंस की किसी को आवश्यकता है अगर। अच्छा, आसानी से आपके यहाँ फाइनेंस हो जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट रेट भी जो बैंक का है वो देना पड़ेगा जी, फ्लैट फाइनेंस होगा जी, फाइल चार्ज भी
बिल्कुल मिनिमम है जी। जो स्टाम्प पेपर के वो कागज पैसे लगते हैं वो ओके। ये नहीं अदर की तरह कि हमारा 1100 फाइल डाल दो 2000 दो जी। मतलब कपड़े उतारने वाला काम नहीं है। अच्छा जी। मतलब एक मानवता के हिसाब से ठीक है। अच्छा मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि ये अपने गाड़ी में एक ये वाला मॉडल है, इस मॉडल का नाम क्या है ये जरूर आप बताएं। ये एवन का ई स्टार मॉडल है। अच्छा तो और भी मॉडल आते हैं कंपनी में? मेरे पास तीन मॉडल है जी। एक ये ई जेट है। अच्छा ये यहाँ पर लगा हुआ है, ये ई जेट है जी। एक वो बगल में है ई स्कूट 504 ई स्कूट लगा हुआ है। इसमें दोनों में खासियत ये है जी, इसमें दो लाइटें हैं जी, उसमें भी दो लाइटें हैं जी, उसमें अलॉय व्हील है, ये सादे व्हील। अच्छा अच्छा उसमें अलॉय व्हील है, ये सादे व्हील पे। तो चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अगर आपको अगर गाइस आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाओ, आपको जो भी मॉडल में अच्छा लगे, मैंने ये वाला मॉडल मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा इस पर रिव्यू कर लेते हैं। अगर आप लेना चाहो तो यहाँ पे अपना जैप भी मिल रहा है और ई स्पोर्ट भी मिल रहा है 504, आप ये भी ले सकते हो। देखने में दोनों ही काफी डिसेंट लग रही हैं गाड़ियाँ, तो आप इनको भी ले सकते हो। तो ये भी नॉन आरटीओ रजिस्टर्ड है जी, तो आपको इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कराना पड़ेगा, तो ये काफी अच्छी चीज लगी है मुझे। सभी में लिथियम बैटरी है और सबसे पहली बात ये है कि कस्टमर ये हमारे लिए भगवान है जी जी जी। कस्टमर जब आएगा मैं उसको पूरी फैसिलिटी देने की कोशिश करूंगा जी। मैं ये नहीं चाहूंगा कस्टमर मेरे पास से गाड़ी लेने के तरह जाने के बाद किस तरह कानपुर में अन्य शहरों में चाइनीज गाड़ी बिक रही है जी, तमाम नामों से जी, तो उस तरह की हमारे यहाँ डीलिंग नहीं है जी। गाड़ी ले तो संतुष्टि बना के ले, इससे गाड़ी में किसी तरह की आपको तकलीफ ना हो। गाड़ी अगर जरूरत होगी तो मैं घर तक भी भिजवा दूंगा, कानपुर लखनऊ इलाहाबाद, उसका जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होगा वो आप। नहीं नहीं बिल्कुल सही जी। अच्छा अंकल एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, ये चाबी मैं देख पा रहा हूँ काफी मुझे अच्छी लग रही है, इसको निकालिए जरा ये, तो इसमें क्या क्या फीचर है इसके बारे में? ये चाबी जो है जी, ये जिस तरह कारों में चाबी होती हाँ, वही तो तभी तो मुझे देख रहे हैं। रिमोट सिस्टम है जी, ये जिस तरह रिमोट चलता है जी, ये रिमोट सिस्टम। अच्छा इसको आप प्रेस करोगे तो गाड़ी अगर ट्रक करेंगे गाड़ी आपको रिमोट, अब आपने जैसे किसी ने इसको ट्रक किया जी, तो ये मतलब ऑन ऑफ हो जाएगी। ये गाइस काफी अच्छा फीचर है कार के तरीके, अगर कोई इसको टच भी करेगा तो ये इस तरीके का साउंड प्रोड्यूस करेगी। अच्छा मतलब ये गाड़ी लॉक भी हो जाएगी? लॉक भी हो जाएगी, इसको ना आप आगे कर सकते हैं ना पीछे। तो फिर ये बंद कैसे होगा? तो बंद करेंगे, लॉक खुल भी है, बंद हो जाएगा। अच्छा आप रिमोट कंट्रोल है पूरा, तो यार ये काफी अच्छा फीचर लगा मुझे कि अगर आप कहीं पार करके जा रहे हो तो आपने जस्ट आपने इसको ट्रैकिंग वाले में ऑन कर दिया, इसका सेंसर अपने आप काम करने लगेगा, कोई इसको इवन चला भी नहीं सकता, खींच करके नहीं ले जा सकता है। जी ये साइड स्टैंड है जी, इसमें सेंसर लगा हुआ है। अच्छा अगर ये साइड स्टैंड आप ऑन कर देंगे जी तो गाड़ी मूव नहीं करेगी, मूव नहीं करेगी। अगर आपने रास्ते में गाड़ी खड़ी कर दी, साइड स्टैंड लगा दिया, अगर कोई आया किसी ने एस्केलेटर दबा दिया जी, तो गाड़ी चलेगी नहीं, चलेगी। अगर आप साइड स्टैंड इसको ऑफ कर देंगे तभी गाड़ी नहीं 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 काफी सही सेंसर पर गाड़ी। तो यार गाड़ी काफी अच्छी लगी, तो ये कहीं जाना नहीं, आप आराम से गाड़ी परचेज करो, आओ जब भी सर्विसिंग करानी हो यहाँ आ जाओ, सर्विसिंग कराओ बढ़िया आराम से अंकल जी से। तो अंकल गाड़ी तो आप लोगों ने आपने काफ़ी अच्छी दिखाई मेरे को, और हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, अगर वो व्यूअर्स आते हैं वीडियो देख के तो उनके लिए क्या पॉसिबल डिस्काउंट हो सकता है जरूर आप देखिए। आपके अगर जो भी वीडियो देख के आएगा जी, तो जो रेट हमारे है जी वो फिक्स रेट है जी। आए के प्रेजेंट टाइम मेरे पास एक साथ पुराने रेट है जी, कंपनी ने और भारत सरकार ने रेट बढ़ा दिए हैं जी, लेकिन मैं भी पुराने रेट में गाड़ी दे रहा हूँ जी। हमारी टॉप मॉडल गाड़ी 86,000 की है। अच्छा अच्छा जो आपने दिखाई, जो दिखाई है, इसके बाद सेकंड गाड़ी 80,000 की है, टोटल सब वही है, उसमें सब वही रेट है, 19-20 का अंतर होगा। दूसरे नंबर तीन पे गाड़ी है वो 78,000 रुपए की है जी। अगर बाई चांस आपका कोई यूट्यूब के द्वारा आपके द्वारा मेरे पास आता है और वो कार करता है कि मैंने यूट्यूब देखा, तो मैं उसका जो कहना नहीं कि ये बीमा होता है, जो बीमे की कास्ट है 4,500 रुपए, उसमें मैं 50% बीमे को आपके आने के आपके यूट्यूब के आने के बदौलत मैं उसको अपने बीमे में 50% का सहभागी बनाऊंगा। 50% मैं खुद दूंगा,
पर्सन। तो देख लो गाइस, आपको इतना बड़ा ऑफर मिल रहा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अंकल जी क्लेम कर रहे हैं कि आप दीपावली तक है दीपावली तक अगर जो शख्स आएंगे यूट्यूब देख के उनको मैं 50% तो आप अगर बीमा में जो भी 50% बीमा 4500 रुपए का होता है, वैसे बाहर तो 6000 करोड़ होता है, फर्स्ट पार्टी बीमा 4500 का होता है, 1+4 में 4500 रुपए में मैं 2200 रुपए उसको छूट दूंगा। लो भाई 2200 रुपए मैं गेम से दूंगा। इतनी बड़ा ऑफर मिल रहा है तो भाई चक्कर जल्दी से आ जाओ यहाँ पर और गाड़ी परचेज कर लो। एवॉन कंपनी की काफी नामी ग्रामी ब्रांड है, ऐसा नहीं है कि कोई बेकार सा ब्रांड हो, काफी अच्छा ब्रांड है। तो अगर आपको लेना है स्कूटी वगैरह तो जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। अंदर एक बार अपने लोकेशन बता दीजिए आप कि छकरकटी बस स्टैंड से जी जो पुल पार करने के बाद जब गोपरगंज के लिए मुड़ते हैं जी तो मेन रोड पर जहाँ पर ड्रम मार्केट है, आरा मशीन मार्केट है, मेन रोड पर एवन स्कूटर का शोरूम है। एवन स्कूटर का शोरूम कानपुर में मैं ही अकेला डीलर हूँ। ओके। और ये मेरा स्कूटर का शोरूम 2 साल पूरे हो गए हैं जी। मैं 2 साल के उपलक्ष्य में मैं फिर एक बार अपने सभी कस्टमर भाइयों से कहूँगा, आदरणीय लोगों से, अगर वो दीपावली तक गाड़ी लेते हैं तो मैं उनको बीमे में 50% की छूट 101% दूंगा। मैं अपनी जवान से पीछे नहीं हटूंगा। तो गाइज आप लोग देख लो, काफी अच्छा ऑफर हम लोगों को मिलने वाला है दीपावली के पहले। तो आपको अंकल जी ने सारी लोकेशन वगैरह भी सब कुछ बता दिया है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल भी दूंगा गूगल मैप की कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है। तो आप लोग आ जाना और शॉपिंग कर लेना अगर आपको स्कूटी चाहिए तो। चलो आज के वीडियो में इतना ही, होप करता हूं आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर करके जाइए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।